Welcome back. Now we're discussing another problem. Which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term? तो इस AP की कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 31st टर्म से 130 एक्स्ट्रा होगी? ठीक है? Sorry. So we are assuming कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड टर्म, ये वो रिक्वायर्ड टर्म है जो 31st टर्म से 130 एक्स्ट्रा है. ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरी nth टर्म है वो एक ऐसी टर्म है जो 31st टर्म से 130 एक्स्ट्रा है. क्लियर है? इन दिस सीरीज वी कैन इजीली सी ए इज़ 5, डी इज़ 10. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, nth टर्म का फॉर्मूला ओपन किया, दिस इज़ ए प्लस एन माइनस वन डी, 130 एज इट इज़ रखा. A31 आपको पता है, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इट विल बी ए प्लस 30D. क्लियर है? ए से ए कैंसिल आउट, डी का वैल्यू 10 रखा, 10 इंटू एन इज 10 एन, 10 इंटू माइनस एन माइनस का 10. सिमिलरली 130 प्लस 30, डी का वैल्यू 10, तो 300 प्लस 130 इज 430. ये 10 इधर चला तो 440 बना, आपने डिवाइड किया तो एन की वैल्यू 44 आ गई. ठीक है, तो इसी तरीके के से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है. तो जो 44th टर्म होगी इस एपी की, जो भी 44th टर्म होगी, इज़ 130 मोर देन इट्स 31st टर्म. ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू हैव डिफरेंट मैथड्स ऑल्सो. तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व इट. ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.